हाय गाइस, आज जॉनी वॉकर डबल ब्लैक है हमारे साथ और वी हैव अ स्पेशल गेस्ट टुडे, आरटी भाई। लुक एट हाउ फिट ही इज बिकम। वी हैव स्टार्टेड द स्ट्रीम नाउ। नो, वी हैव नॉट। 2800 रुपए की थी उस वक्त, अब शायद 200-300 रुपए बढ़ गया होगा इसका रेट, इफ एनीथिंग। अभी बड़ा है ना इसका। जॉनी वॉकर की सारी विस्कीज का मेरे ख्याल से रेट 200-400-500 रुपए तक सभी बढ़ चुका है। सभी का बढ़ा है। तो ये है 2022 की विस्की। अगर मैं कंपेयर करूं इसको, मान लीजिए BL के साथ, ब्लैक लेबल के साथ, तो मेरे ख्याल से ब्लैक लेबल कुछ ज्यादा है ना इसमें। यस, ब्लैक लेबल इज मोर स्वीटर साइड इन टर्म्स ऑफ इफ वी डू द नोज टेस्ट, सो इट इज ऑन अ मोर स्मूदर साइड, वी कैन से दैट, एंड इट इज ओवरऑल द अपर वर्जन ऑफ बेसिक ब्लैक लेबल, डेफिनेटली। सो व्हाट आई कैन सेंस इन दिस इज अ रोबस्ट अरे ऑफ almonds, of dry fruits, of resins, a very nice woody oaky feel, और oak का essence blended scotch में लाना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। शायद ही कोई ऐसी whiskies होती है जिसका blended scotch में oak wood का essence आता है। इसका बहुत अच्छी तरीके से किया गया हुआ है, पीट का भपका भी नहीं आ रहा बाहर, और इथाइल alcohol भी मतलब अच्छी मात्रा में है, ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल मुँह पे आ रही है आपके, तो ब्लेंड अच्छी हुई है। लेट्स टेक अ सिप ब्रो। चीयर्स। चीयर्स। यू गो फर्स्ट। अमेजिंग। आई जस्ट फेल्ट द एंटायर वार्म्थ इन माय नॉस्ट्रिल। यू फेल्ट द नॉस्ट्रिल? या। कहा जाता है कि जब विस्की अच्छी नहीं होती तो नॉस्ट्रिल पे आती है। नहीं नहीं, विस्की अच्छी है, बट लाइक वी आर हैविंग इट नीट, सो डेफिनेटली इट विल एंड विद द बॉडी टेम्परेचर दैट गिव्स काइंड ऑफ अ लाइक यू नो द फ्रेग्रेंस। बेसिकली देखिए, अल्कोहल का आपको स्पाइक थोड़ा बहुत आएगा और वो आपके पैलेट पे छाएगा। अब आपको देखना है कि आप किस लेवल के ड्रिंक करो। मैं मानता हूँ कि हम दोनों काफ़ी अंदर घुस चुके हैं दारू के, तो उस लिहाज से बोलूँ तो टेस्ट काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी कामयाब है, काफ़ी किस्मती है, काफ़ी आजमाइश अच्छी है, पैदाइश अच्छी है इसकी। क्या लीड पी सकते हो? मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, आप लीड ले सकते हो अगर आपने बाहर में मंगाई है, 1500 रुपये खर्चे डबल में, तो आप लीड पी सकते हो फिर तो भाई नीट ही पीना। पर अगर आप घर पे बैठे जैसे हम बैठे और माहौल बना रहे हो, इट इज गुड टू गो विद ऑन द रॉक्स। इट इज गुड टू गो ऑन द रॉक्स, बट नॉट एज अ फर्स्ट ड्रिंक। फर्स्ट ड्रिंक आई वुड से कि थोड़ा धीरे से जाना बंगले में। बट अभी समर शुरू हो गई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गर्मी शुरू हो गई है, तो हल्का सा एक ठंडक के साथ अगर वो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा एक बेटर टेस्ट करता है। एक और लेते इसी बात पे। देखिए, अगर ब्लैक लेबल से कंपेयर करूं तो अब तक मुझे ब्लैक लेबल ज्यादा पसंद आती। ओके, हमारा पानी भी लूज फॉर्म है। दीज आर बिग क्यूब्स, सो आई थिंक वन इज इनफ। अरे भाई नहीं यार, दो तो लो, थोड़ा बहुत आपको बीमार तो होना चाहिए आज। बीमार तो नहीं होंगे। पता है मैं कौन सा गाना सुन रहा था? व्हिच वन? टॉक्सिक बाय एपी दिल्लो। आई रियली लाइक दैट सॉन्ग, समथिंग अबाउट दैट सॉन्ग, यू नो। हिज एंटायर एल्बम लाइक यू नो Very that recently has come with the 10 or 12 songs. Okay. Toxic, excuse. वो तो पुरानी भाई। नहीं, इसी में ही है. And summer, which summer which house? Song? Summer High. Summer High. Summer High. Summer House तो अच्छा रेस्टोरेंट है दिल्ली में जहाँ हम रहते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, थोड़ा टॉपिक से हटके, देखो हमने ड्रिंक बना ली अपने दो, इसको मैं तो बैठने दूंगा, मैं कहूँगा आप भी बैठने दो, ज़बरदस्ती बैठने दो हमारे चैनल पे। मैं ये कहूँगा कि मैं कह रहा था कि अगर दिल्ली आ रहे बंदे, राइट, मान लो चंडीगढ़ से आ रहे, हम आएंगे दिल्ली, आरटी भाई हमें बताओ हमें कहाँ जाना चाहिए दिल्ली में। अगर कोई भी दिल्ली आया तो उसको कहाँ जाना चाहिए? हाँ, जहाँ पे मतलब महंगी जगह ना हो, लड़कियों का हो आसपास।
अच्छा माहौल हो, गुड एटमॉस्फेयर, गुड शेक्स, देन गो टू गुड़गांव. ओह माय गॉड, गुड़गांव भेज रहे हो सीधा. ओके, एनी गुड बीवाईओबी इन द वीकेंड, लाइक थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. और दिल्ली में बताओ. दिल्ली डज नॉट हैव एनी बीवाईओबी. अरे भाई, बीवाईओबी तो नहीं है, बट मार लो इनको 2000 रुपए पर पर्सन खर्चने. गो टू एनी गुड क्लब यार. क्लब तो नाम तो बताइए इनको. लाइक आई हैव नॉट बीन, को टाइम हो गया. या इट्स बीन एजेस. कोई बार अच्छा बार, कोई मॉल में अच्छा बार हो, बाहर अच्छा बार. यार हम उस दिन लास्ट टाइम कहां पे बैठे हुए थे, लाइक वी ऑल थ्री वर्स बियर कैफे बैठे थे. दैट वाज अ बियर कैफे, दैट वाज आल्सो अ गुड प्लेस. ऑनेस्टली एल है, थोड़ी जगह एल है. मैं बताता हूं आपको कहां जाना चाहिए. मैं चाह रहा था कि ये मुझसे पूछे और अच्छे भी दो तीन बताए, पर उन्होंने सीधा गुड़गांव भेज दिया आपको. इतना दूर मत जाओ भाई. नहीं, दिल्ली आए हो. दिल्ली में भाई जाते रहते हैं, तो ही विल बी अ बेटर पर्सन टू टेल यू. यार मैं इतना तो नहीं पता, मेरे को ऑनेस्टली बताऊँ तो, डिसऑनेस्टली बताऊँ तो, पर डिसऑनेस्टली एक बात कहूँगा, ओरो इज़ वेरी गुड इन ऑरोबिंदो मार्ग, यू कैन गो देयर. हाँ, तुम्हारी शक्ल और फितरत ठीक ठाक होगी तो तुमको अंदर जाने देगी विदाउट गर्ल्स. मुझे जाने देते, वो समझते कि बंदा ही, यू नो, ये 40 साल का हो गया है, यू नो, मुझे उछे भी रखे हैं अनिल कपूर वन भी, यू नो, तो मुझे जाने देते. नाउ सेटल, लाइक यू नो, लग रहा है बाप. डोंट लुक लाइक अ स्टैग. लग रहे हैं हम दोनों, लग रहे हैं बाप बच्चों के. आंसर कीजिए, जो भी है आंसर करो कि लग रहे कि नहीं. भाई ऑनेस्टली बताओ, मैं इसके साथ तो लग रहा हूँ. मैं पता कैसे लग रहा हूँ, मेरा नाम होगा पीके मिश्रा. पीके मिश्रा. हाँ, दो कैसी है आप बताइए. ठीक है, ठाक है, बहुत अच्छी लग रही है. और इवन विद द आइस क्यूब्स इट्स गोइंग वेरी वेल, क्योंकि गर्मी आ चुकी है तो थोड़ी सी ठंडक तो चाहिए. तो चलो भाई, मेरा अभी मैं, लेट मी टेक माय फर्स्ट ड्रिंक ऑफ डबल ब्लैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई एम हैविंग दिस वन ऑफ माई टॉप 20 फेवरेट विस्कीज, झूठ कह रहा हूँ, टॉप 15 फेवरेट विस्कीज ऑफ ऑल टाइम. सिंगल मॉल्ट ब्लेंडेड स्कॉच कुछ ही मिला लो, डबल ब्लैक में कुछ बात है, कोई शख्सियत है. चीयर्स. चीयर्स टू माई फादर मनमीत सिंह आनंद. चीयर्स. अर्ज किया है, तुम आए तो मुझे आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला. जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला. गली में, मतलब व्हाट अ ब्लडी ब्यूटीफुल पिकअप. इस ड्रिंक की पिकअप बहुत अच्छी है. ऐसा लगता है कि 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर ना, ये बिल्कुल एक गियर शिफ्ट में इमीडिएटली टॉर्क डाल के बूम. ये मुझे पहले सिप में लग गया था. आपको लगा था ये पहले सिप? बयान नहीं किया सर ने, लेकिन सर को लग गया था. बट मुझे ऐसा लगा कि यार क्या क्या फितरत है ड्रिंक की यार. मतलब आई मीन, इफ यू कंपेयर दिस ड्रिंक विद द रेड लेबल्स ऑफ द वर्ल्ड, इवन विद द ग्रैंड ट्रिपल वुड्स ऑफ द वर्ल्ड, इवन विद द टीचर्स हाइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, द ब्लैक डॉग्स ऑफ द वर्ल्ड, आई डोंट थिंक वो इसके नज़दीक में आते हैं. दो ड्रिंक जो इसके नज़रिए में है, आसपास है, मैं कहूँगा शिवस रीगल और ब्लैक लेबल. और एक और डालने के लिए मैं कहूँगा गोल्ड लेबल, जो इसके अड्डे में है. लेकिन इसमें एप्रिकॉट का जो फ्लेवर छोड़ रहा है ड्रिंक, पैलेट पे, आपके भी पैलेट पे आएगा हल्का सा, यू नो, व्हिच इज बिट स्मोकी, यू आर सेइंग, और वेरी, यू राइट, इट हैज अ टिंज ऑफ स्मोकीनेस. तो मैं जल्दी से आपको पढ़ना चाहूंगा पीछे क्या लिखा है. द पायनियरिंग स्पिरिट एंड यूनिक ब्लेंडिंग स्किल्स ऑफ अ फाउंडर्स क्रिएटेड जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल इन 1909. Recognized as the world's number one best-selling deluxe blended Scotch whiskey, Double Black is a blended whiskey created in the style of Johnnie Walker Black Label, but with a rich, more intense, smokier flavor. It's proof that this pioneering spirit is still alive and well today. Created through blending selected aged whiskies that are naturally smoky and rich in character with those mature and deep charred oak, old oak casks, a master blender has created a whiskey of real character and depth of taste. देखिए, ये किसको खरीदनी चाहिए. मैं कहूंगा जो बंदा सिंगल मॉल्ट लेना चाहता है लेकिन 5000 रुपए नहीं खर्चना चाहता. बट दिस इज द सिंगल मॉल्ट, राइट? नहीं, दैट्स ब्लेंडेड. नो, दिस इज ब्लेंडेड. दिस इज द ब्लेंडेड. दिस इज अ ब्लेंडेड. जॉनी वॉकर डज नॉट मेक एनी सिंगल मॉल्ट. बट आई थॉट डबल ब्लैक इज सिंगल मॉल्ट. नो, दिस इज ऑल्सो ब्लेंडेड स्कॉच. आप जैसे कि देख सकते हैं, आप लिखा होगा ब्लेंडेड स्कॉच विस्की. जॉनी वॉकर की जो ब्लेंडेड स्कॉच सिंगल मॉल्ट है उसको कलीला कहते हैं लोग. कई लोग कहते हैं सिस्टर कंपनी है, जो भी कंपनी है. पर जॉनी वॉकर की ब्लू लेबल भी आपकी ब्लेंडेड स्कॉच है. ओके. इनकी सिर्फ एक विस्की है जो ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की है. ब्लेंडेड मॉल्ट होते मतलब दो या तीन मॉल्ट्स को बना के, और वो है आपकी ग्रीन लेबल जो आपने मेरे साथ रिव्यू की. यस, वी हैड इट वंस. और मैं बता रहा था, मैं चार विस्कीज है उसमें, यू नो, वगैरह वगैरह. सो दिस इज ब्लेंडेड स्कॉच. सो इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड 5000 रुपीज, और इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड 4000 रुपीज ऑन अ ग्लेनलिवेट,
राइट, आप डबल ब्लैक जरूर लेके आ सकते हैं। दिल्ली में कितने की आती होगी ये अगर मिलती है तो? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिल्ली में इट शुड बी अराउंड 3,800 रुपीज। आई थिंक दैट्स अ गुड एस्टिमेट, गेस्टिमेट अराउंड 38 और बिटवीन 4,000 रुपीज। इट मे बी और भी खींच सकती है मेरे ख्याल से, अगर हमारे को 3,300 की तो ब्लैक मिलती है आजकल। सो ब्लैक लेबल यूज टू बी 28 इन दिल्ली, अब 3,300 की हो गई। So it must be around 4,000 or something. You can say it's around 4,000 rupees, and 4,000 is definitely an expensive price for a whiskey har roz peene ke liye. But agar thoda zyada kama lo, kya main kahunga main isko har roz pee sakta hu? Bilkul nahi. I don't think main isko har roz pee sakta hu, because kabhi pikiya hi nahi yaar wo. Chalo wo bhi karname kar sakte hain, par main to reviewer hu to mere to aas paas aate rehte hain, you understand? Yeah, just for the review, like, you know, this is the honest opinion we are giving. First drink down. Is it original? यार अब देखो गुड़गांव के साथ पहले भी हादसे हो चुके हैं, अगर मैं बॉटल की बात करूँ और इसके कैप की बात करूँ, everything looks original. Does it? अब यार sad बात यह है कि पिछली बार भी मैंने गुड़गांव से ही खरीदी थी डबल ब्लैक, तो मैं honestly कह नहीं पाऊँगा सच्चे दिल से, सच्चे मन से, कि क्या डबल ब्लैक सही है कि गलत है. आरटी भाई आप पहले पे ही हो? हाँ मैं तो अभी, आई एम जस्ट गोइंग स्लो एंड स्टडी. ओके, कैन आई विन द रेस? या या व्हाई नॉट द रेस, देयर इज नो रेस एक्चुअली. ऐसी यार यू नो, तो मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगा. या पहला ड्रिंक मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो इतना मुझे मजा नहीं आया जितना मैं चाह रहा था. शायद वो इसलिए हो सकता है क्योंकि डबल ब्लैक इज अ स्लो बर्नर. मैंने अपने पिछले वीडियो में भी जब इसका रिव्यू किया था, आप लोग मानेंगे नहीं, फिफ्थ ड्रिंक में जाके मुझे फील आई थी. मैं उस टाइप का इंसान हूँ. दो तीन तो मैंने डाउन कर लिए थे. स्कॉच की फील यार वैसे आती भी थोड़ी लेट है अगर मैं गलत ना हूँ तो. अराउंड 4 ड्रिंक्स और 5 ड्रिंक्स आर रिक्वायर्ड टू गेट अ किक. आपकी ऑल टाइम फेवरेट विस्की कौन सी होगी अगर आपको एक फॉर लाइफ? आई एम लाइक अ पर्सन हु कीप्स ऑन चेंजिंग द ब्रांड. पर मान लीजिए आप डेजर्ट आइलैंड में हो और आपको एक केस मिल रहा है 24 विस्कीज का, और भगवान कह रहा है कि बेटा बर्फ की फिक्र मत कर, कर्म किए जा, मैं तेरे को 24 विस्की दे रहा हूँ, बताओ कौन सी विस्की? शुड बी ऑन दैट लाइक यू नो व्हिच बेसिकली वी ड्रिंक, इट शुड बी अ टीचर्स और अ रेड लेबल. वो आई एम गुड टू गो विद दैट. बोथ हैव सम सिमिलैरिटी आई फील. यस, बट द सेक्शन ऑफ रेड लेबल इज क्वाइट डिफरेंट. Teachers is different. Even teachers or 100 piper, you can kind of compare it. Wait. मुझे लगता है कि teachers 100 pipers, yes, you can compare, but 100 pipers थोड़ी बहुत वो है. You know, easy going. बहुत ही मतलब casual whiskey है. Teachers is bit richer in terms of the texture. Teachers is richer and teachers में ना मतलब पता नहीं क्या है यार, कुछ तो बनाया हुआ इन्होंने. कुछ तो मेरे को समझ नहीं आती why. और टीचर्स की भी माइलेज पता है कैसी है, लो आरपीएम में नहीं काम करेगी, पर 4,000 5,000 आरपीएम जब चौथे पांचवें ड्रिंक में पहुंचोगे ना, तब जो वो देगी ना आपको, आई डोंट नो व्हाट टू से. उल्टा आइलैंड का पहला ड्रिंक बनाओ, इट्स द वर्स्ट ड्रिंक यू कैन हैव. द सेम कैन बी सेड फॉर हाइनेकन बियर. इफ यू हैविंग हाइनेकन बियर, द फर्स्ट बियर विल नॉट डू एनीथिंग फॉर यू. यू बी लाइक व्हाट द हेल डिड, स्पेशली द कैन. बट द सेकंड एंड थर्ड इज जन्नत एंड द फोर्थ इज लाइफ. Good. Tell us something which we didn't know, RT. In what context exactly? Which I'll help you. Tell us something which we didn't know, RT. So again, my same question. What exactly the contest? It can be anything which your mind wants us to tell us. Lots of things. Share anything with us. You know. There are many, many things we don't know. And every day when we come across to anything, we come to know. अरे भाई ये सब नहीं यार, ये क्या आप जनरल चीजें बहुत सारी चीजें हैं. चलो मैं बताता हूँ आपको. आरटी भाई ने नहीं किया तो कवर मार्चा करके दिखाएगा. भाई इस बार कह रहे हैं कि 2024 में बहुत गर्मी होने वाली है और दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी है. पहले वहां बैठने वाले थे लेकिन ऊपर ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आप लोगों का लक हम यहाँ पे बैठे हैं. हम खुश नसीब, यू नो. आरटी लुक्स लाइक ही इज, यू नो, 3-4 इयर्स यंगर. थैंक यू सो मच गाइस. You know, and okay, we are saying welcome. मैं राकेश भाई को कुछ कह रहा था. मैं कह रहा था कि राकेश भाई आप यहाँ पे आए हो, अच्छी बात है.
लेकिन वीडियो रिव्यू करना मेरे लिए ना कहीं मेरा मकसद हमेशा ये रहता है, जब मेरे दोस्त यार आते यार एक रिव्यू भी हो जाए तो मजा आ जाए, तो मैं कह रहा था कि बुरी बात तो नहीं ना इसमें। नहीं नहीं देख, बुरी तो कुछ भी नहीं है, यू नो तो, बट आरटी भाई कुछ कह नहीं रहे थे लेकिन इनकी आंखें कुछ बयां कर रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई भाई नहीं, कोई बात नहीं, मैं आरटी भाई को समझा दूंगा। जब अभी तो आरटी भाई पहले पैक में है राइट, जब तक छठे पैक में होंगे पता नहीं क्या बोल रहा होगा मैं। चलो मेरा सेकंड ड्रिंक है भाई, पता नहीं क्यों लेकिन डबल ब्लैक की फील नहीं आ रही मुझे। आपने इसमें ना पानी मिला लिया ज्यादा? नहीं ब्रदर, मैंने इतना मिलाया कल ही, पानी बहुत कम मिलाया है। आइस भी तो थी ना उस पे? आइस भी थी लेकिन जब मैं कह रहा हूँ फील नहीं आ रही तो मतलब जो रियल इसका जो टेस्ट है वो नहीं आ रहा, एसेंस अरोमा टेस्ट आ रहा है पर इतना ग्रेट नहीं आ रहा, समझ रहे हो, मजा नहीं आ रहा यार। बट व्हेन वी हैड अ नीट सिप ऑफ दैट सो इट गेव अ किक, उसमें थोड़ी रिचनेस और वो लग रही है। हाँ बट अभी देखो जैसे ये आई गेस उसमें वाटर ज्यादा है, आई पुट 40 ml बाय द वे एंड आई पुट 40 ml ऑफ वाटर, टेस्ट इज नॉट क्वाइट देयर अभी ना वो ब्लीक। चलो आई मूव ऑन, अभी सेकंड ड्रिंक में फील नहीं आया मेरे को, दैट्स द बॉटम लाइन। ही इज रियली सिपिंग हिज जिन के अराउंड हिज ड्रिंक लाइक अ जेंटलमैन, लाइक आज तो भाई पूरे फरदीन खान बन चुके हैं, है ना? मे बी, है ना, आप तो हो फरदीन खान यार, हमारे चैनलों में आ रहा है, पेपरों में आ रहा है पेपरों में हायर हिम फॉर मॉडलिंग आरटी भाई, यू नो राकेश तोकस हायर हिम ब्रो, यू नो मुनीरका के राजकुमार कहा जाता है इन्हें, क्या कहेंगे इसके बारे में? ठीक है यार भाई, की पता एक चलो अब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देंगे हम, ठीक है? तो आरटी भाई की एक बात मुझे पसंद आती है, आरटी भाई इज द गाय हुज ऑलवेज इन द सेम मूड, दिस गाय भाई मंडे हो संडे हो भाई, वी हैव सैट एक्चुअली टू अर्ली अभी, अरे घंटा वी सैट समथिंग अराउंड 6 बजे हम बैठ गए आज भाई, आप तो ऐसे बोल रहे हो 6:24 हो रहे भाई अभी भी। मेरा कहने का ये है कि भाई ना हमेशा सेम मूड में होते यार, दुनिया में सोलर इक्लिप्स हो जाए, यू नो अक्षय कुमार की 4 फिल्में आ जाए, आरटी भाई इज ऑलवेज इन द सेम मूड। लेकिन एक बात कहूंगा, हाल ही में मैंने नोटिस किया है कि आरटी भाई थोड़े वो हो गए हैं, अपरिचित हाँ, हम खाली विश्राम चिन्ह लगाएंगे you know, कि मैं उस मुकाम तक कहां पहुंचूं, बिकॉज अभी वो थोड़ा टाइपकास्ट हो चुका है टाइगर श्रॉफ भाई की। मैंने एक ही फिल्म देखी है वॉर, मैंने भी एक दो ही देखी है, हाँ, मैं वैसे मूवीज बहुत कम देखता हूं, तो मतलब आई फील ही नीड्स टू रीच द नेक्स्ट लेवल। रिसेंटली क्या कह रहे थे आप? हाँ मतलब रिसेंटली मैंने मूवीज देखी नहीं, बहुत टाइम हो गया मूवीज देखे हुए, बस कोविड में ही आई यूज्ड टू वॉच ऑल द वेब सीरीज। और बताइए कि आपको टाइम टू सिट एंड वॉच दिस काइंड ऑफ फिल्म्स, पर आपके तो मतलब घर पे लाइक मस्ट बी लाइक अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड, हाउ डू यू डू दैट, व्हाट हाउ डू यू वॉच? Sorry dude, that was pretty funny. That was exactly a pose in between. Dude, that was so funny, man. He was like, what? I was like, yo, really dude? तो आरटी भाई और बताइए कि 2024 में आपने वर्कआउट कब से शुरू किया आपने, ये बताइए हमें। So I started this thing on 28th of December 2023. So I just randomly woke up early in the morning at 6 a.m. Okay. Then I thought there is nothing to do at 6 a.m. Okay. Let's go to gym. Okay. I randomly went to gym. Mm-hmm. And it became a routine. On 20th of December, you randomly decided that there's nothing to do. Let's go to the gym. Yes, in the morning. अचानक से आपने दिल किया। और आपने क्या किया जिम में जाके? तो guys पहले दिन तो कुछ खास नहीं किया। Right. जिम में गया, पहले जिम को देखा। Okay. Because it's been ages I didn't go to the gym. Okay. So पहले जिम में गया, जिम को देखा, जिम में घूमा, फिर धीरे धीरे कुछ मन में अच्छे विचार आने लगे कि कुछ किया जाए, थोड़ा वार्म अप किया, थोड़ी सी कार्डियो करा, और ऐसा करते करते 15 डेज हो गए। ठीक है। I kept going regularly and the routine got fixed. ठीक है।
and then I started working out with the weights. Okay. And the interest got developed. Hmm. So there was not kind of any, like, you know, kind of a pressure from anyone, kind of a target or something. I just started. So your thing would to them would be, do not think much. Exactly. Like, just start. Just start. And जितना सोचोगे उतना नहीं हो पाएगा. आप कितनी बार करते हैं आप सात दिन में? 6 days. So Sunday is something the gym is closed. 6 days in a week? Yes. Can you flex for us your right arm? Yeah, right bicep. Even the left also. No. Can you flex your right one? कैमरे में? हाँ. Bro. यार एक मैं बात कहना चाहूँगा. You know हम compliments दे ही रहे थे तो एक और दे देता हूँ. एक हमारा दोस्त था कॉमन फ्रेंड, हम उसके घर जाते थे, ठीक है, जिसके थ्रू मैं आरटी भाई को जानता हूँ. आरटी भाई जब भी आते थे कूल गए, ही वुड कम इन टू द रूम, लंबे लंबे बाल, जैकेट निकाला, टी शर्ट में भाई, ठंड के मौसम में वेट 10-12 किलो के वेट, ये नहीं एक रैप, 5 रैप, 10 रैप भाई, 30-30 रैप मारते थे. 15 kg each. I did around 15 reps. Then I took randomly again 10 kgs. I did again around 15. आज टेस्ट होगा भाई का. लड़कियां पागल हो जाएगी. क्या कहना है इसका? एक सेकंड. लड़कियां पागल हो जाएगी. बताइए लड़कियों का क्या रिस्पॉन्स है? ठीक है यार, मैं कभी पूछा नहीं. Okay, I'm sorry. I'm taking his case. We are married boys, but you know, all married boys somewhere want all the girls to check them out, right? That doesn't change, bro. And किसी को बुरा लग रहा है तो लग जाए. पैर हमें सानो की साढ़े आज आपकी हम ब्लैक लेबल डबल ब्लैक है आज तुम्हारे सामने, यू नो. दो तो गाइज ये ड्रिंक मेरा सेटल हो रहा है और इसको 2 मिनट और देते हैं. कुछ चीज़ें बदल गई है. दिस इज द स्लोएस्ट आई हैव सीन यू ड्रिंक. हाँ यार, ऐसा क्या हो गया आपको? प्यार हो गया क्या? नहीं नहीं, प्यार तो क्या होना है, थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो धीरे धीरे पी रहा हूँ आजकल. भाई हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत टाइम से, हम तो बिगड़े बंदे. तीसरी ड्रिंक. चेयर्स टू हिंदुस्तान. आज मैच किसका है? गुजरात एंड भाई ने आईपीएल देखना छोड़ दिया. अपना है यार, अपना है, हम कर देते हो यार. ड्रिंक अच्छा है बट कहीं ना कहीं मुझे आई एम मिसिंग समथिंग, सो आई एम गोना गेट सम स्नैक्स एंड सी इफ पॉपकॉर्न एंड कुरकुरे इम्प्रूव माई एक्सपीरियंस, बिकॉज मुझे अकेला फील नहीं आ रही यार, थोड़ी फीकी. तुसी बादशाह हो, तुसी जज कर सकते हो कि मैंने कितने डाली. मेरे हिसाब से मैंने 40 ml डाली है. क्यों आरटी भाई? 40 ml? I think it is around 50. 50 ml, right? I think so. Safe है ना? आप अभी क्या कह रहे थे कि हम बात कर रहे थे, आप बता सकते हो कैमरे वाले को, कैमरे बता सकते हो जो कह रहे थे, बोल सकते हो. हाँ, अलाउड है. तो वही टॉपिक मैं बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं किसी को कुछ बोल देते हैं. हाँ बोल देते हैं. आपने कुछ उसमें बहुत ही अच्छी आपने ऑब्जर्वेशन करी है जो सही है. भाई बताइए क्या ऑब्जर्वेशन है? ऑब्जर्वेशन ही है, फिर जो परेशान करता है ना, फिर वो परेशान होता है. नहीं भाई आप डर क्यों रहे हो भाई? नहीं मैं ये मैं थोड़ा सा उसको आप एनालाइज कर रहे हो, खुद ज्यादा इलैबोरेट नहीं कर रहा, सो इसलिए आई विल टेल यू व्हाट ही सेड. कैन आई? ही सेड दैट देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ अल्कोहल व्हिच वी हैव, इट टेंड्स टू इन्फ्लुएंस आवर आउटबर्स्ट ऑफ एग्रेशन, करेक्ट? What kind of alcohol is it, bro? Just say it. Party bhai, अभी तक कैसे लग रही है आप दूसरे ड्रिंक में? डबल ब्लैक कैसी लगी आपको अभी तक? दूसरी भी बहुत बढ़िया लगी मेरे को. Because I am using very less water in this. Less water. And this is how the richness is coming. आपने शायद पानी ज़्यादा डाल दिया था ना? मैंने पता नहीं, I think 90 ml या 100 ml बनाई है खुद ड्रिंक. ये देखने के लिए कि अमिताभ बच्चन जी कैसे फील करते हैं रोज जब वो सुबह जाते हैं, और यू नो जब उनको भी लगता है कि यार आई एम अमिताभ बच्चन. चीयर्स. डूड नाउ गिव यू किक राइट भाई. 90 ml का ड्रिंक बनाना पड़ा. व्हाट अ केक ड्यूड, माय गॉड, लुक एट माय ड्रिंक्स कलर. And look at his drink's color, dude.
Like, it's a completely different, like, you know, you see how it looks so enigmatic. And bro, at this level, it's a lot of booze, but it really hits the spot. It's very good. I like it. अब मुझे मजा आ रहा है यार, पता नहीं इतनी ड्रिंक डालने के बाद मजा आ रहा है, बट चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते, बाय. यार फील नहीं आ रही तो ब्लैक लेबल लेके आए. आरटी भाई क्या ख्याल है आपका ब्लैक लेबल के बारे में? मुकदमे लड़ेंगे भाई, ऐसे थोड़ी है मार मार लेंगे भाई. बाय द वे ये दिल्ली की ब्लैक लेबल है 3310 रुपए की. कोई सौदा वौदा नहीं है पे आओ, जो भी आपके सामने है भाई हकीकत है. हम आपको जेन्युइनली बताएंगे कि डबल ब्लैक जो काफ़ी डिसअपॉइंट कर रही है मुझे अभी फिलहाल, उसके सामने क्या फर्क पड़ता है. वी लेट अस वेट फॉर 5 मिनट्स एंड बी राइट बैक. ओके बॉयज, सो अभी हमने क्या किया है, हमने एक ब्लैक लेवल का ड्रिंक बनाया है आरटी भाई के लिए और कवर भाई के लिए. और आरटी भाई, अब आपसे शुरुआत होगी. आरटी भाई ने बोला कि कवर यार हमने शायद बहुत कम ब्लैक में बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया. मैंने कहा कोई टेंशन नहीं भाई, फिर भी आपको फील आएगी क्योंकि दिल्ली वाली ब्लैक लेवल है. तो अब ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे आप भाई, आरटी भाई, अब लेट्स स्टार्ट. No, but we start with you, brother. Yeah, yeah. My drink is right here, brother. You go first. Okay. There is a difference. बोले तो? There is a difference between Delhi and that Gurgaon liquor. पर आप ये बताइए कि अभी आप जो सोच रहे थे और जो आपने महसूस किया है, उसमें कुछ अंतर है या फिर कोई अंतर नहीं है? है, difference है. क्या है difference? ये बताइए. सो डिफरेंस इसमें ये है कि अभी जो मैंने सिप ली है जी, ये सिप में जो हम फील चाह रहे थे हल्की सी, हल्की फील चाह रहे थे, इसमें आनी भी चाहिए जी, वो आ रही है. आपको ऐसा लग रहा है दिल्ली वाली ब्लैक लेमन में जो हमको मिसिंग इंग्रेडिएंट था इंटायर ड्रिंकिंग में, वो कहीं ना कहीं आ रहा है, मौजूद है. हाँ. चलो भाई इसी पे कमर बादशाह भी ऑनेस्ट ओपिनियन हो जाए. अब भाई बात कर रही है तो भाई ठीक है, कैन आई गो अहेड विद इट? या या. यू फेल्ट दैट यू आर यू एंजॉयिंग इट और नॉट? टेल मी दैट. इंडीड आई एम. इट इज अ डिफरेंट लेवल राइट? हां, इट और समथिंग लाइक अ डिफरेंट लेवल. इट इज टेस्टिंग बेटर, बट यू वांट मी टू आल्सो एक्सपीरियंस इट. एग्जैक्टली. ओके ओके, सो आई एम आल्सो एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ. ब्रो माय चैनल इज हियर बिकॉज देयर इज नो बकवास, वी ट्राई टू कीप इट रियल. अगर ये बकवास होगी आपको पहले बताएंगे. हम अभी डबल ब्लैक के 5-7 ड्रिंक पी चुके हैं. भाई 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 भाई, देयर इज अ डिफरेंस. ऐसा लग रहा है कि पहला विस्की का ड्रिंक पिया है आज. मतलब जो फर्क है ना भाई इस ब्लैक लेबल में और डबल ब्लैक जो गुड़गांव से आती है. अब यार आरटी भाई हमें ना दिल्ली से डबल ब्लैक खरीदनी पड़ेगी इसके लिए. आई एम सॉरी, ये रिव्यू बिल्कुल नाजायज है बिकॉज जो दिल्ली वाली ब्लैक लेबल है. एक सेकेंड. ओके इट इज सो जेन्युइन that this feels like a fake. Even I think there is a difference in the bottling as well. Bhai bottling keh lo kuch bhi keh lo, jo iski bottling hai it is not that crisp. Bhai bottling ka nahi pata, hum khali ehsaas ki baat kar rahe hain. Dude are you kidding me? Dude, the difference between a black label right now and between a double black right now is very vast. I think there's a 40%. ye sip leke dekho, ek second, 40% ek second, mere drink se aap sip leke dekho, aap samjhoge main kis tarike se aa raha hu. Theek se sip leke dekho. Ab aapko samajh aa raha hai main kahan se apni baaton ko vyakt kar raha hu.
Dude, I'm so sorry for you guys who are watching this video thinking Double Black from Gurgaon is like a bit genuine, because this is the Delhi Black label is yep. But if you mix the same quantity of alcohol, yeah, the same quantity of water, yeah, so I think the Delhi Black label is far way better. Way better, right? Like, matlab, like main kahunga ye जेन्युइन है, ये एक्चुअल फेक लग रही है उसके सामने. मानोगे आप इस बात को अगर मैं कहूँ ये फेक फेक विस्की है? ओह माय गॉड डियर, आई एम सो सॉरी गाइस. मे बी देयर मे बी काइंड ऑफ मच मोर डाइल्यूशन इन दिस. नहीं यार, इतने बहाने नहीं मारते हम किसी के लिए भी इन दिस. भाई आप हमारे जेब में थोड़ी जा रहे पैसे, आप ऑनेस्टली बताएंगे कि मतलब इट इज बिग डिफरेंस. गाइज, इफ यू आर गोना गेट अ डबल ब्लैक फ्रॉम गुड़गांव, डोंट डू इट. यू विल अग्री? सी, 2800 रुपये में डबल ब्लैक मिल रही है आप गुड़गांव से, ऑनेस्टली बताइए आप खरीदेंगे कभी? क्वालिटी डिफरेंस है यार, तो फर्क है ना भाई. आप बोलेंगे इनको कभी जनरली ऑनेस्टली कि 2800-3000 रुपये की मिल रही है गुड़गांव से लेके आओ? ऑनेस्टली बताओ. अगर आपको जेन्युइन स्टफ यू वांट टू हैव, देन हैव द दिल्ली वन. बेशक तुम्हें 1000-1500 रुपये ज्यादा मिले, लेकिन जो फर्क है ना भाई, मैं भी खाली ब्लैक लेबल और डाउट गुड़गांव से मत खरीदो. आप बताइए आप क्या कहोगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा गाइस कि डिफरेंस काफ़ी है, और डिटेल भी मैंने बता दिया, वो डिफरेंस का सिचुएशन भी पता लग रहा है. तो आई थिंक द दिल्ली वन इज द बेस्ट वन. आरटी भाई, अगर हम दिल्ली वाली डबल ब्लैक लेके आएंगे, आई होप यू कम फॉर द रिव्यू, एंड वी लीव सम विस्की हियर आल्सो, वी वोंट फिनिश इट, एंड मे बी वी कैन कंपेयर द टू. या, यू गो फॉर दैट? एग्जैक्टली. शेक हैंड्स ब्रदर. सो गाइज, अगले दिन सुबह मैं ये देख पा रहा हूँ कि बॉटल मोर देन हाफ तो ख़त्म है डबल ब्लैक की, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑल्दो ये विस्की मुझे इस बार इतनी पसंद नहीं आई, शायद इसका कारण है मे बी इट इज़ नॉट कम्प्लीटली जेन्युइन, यू नो दैट कुड बी द रीज़न मुझे इतनी पसंद नहीं आई ये. और बस यही कहना चाहूँगा मैं आपसे, दोबारा लेके आएंगे डबल ब्लैक दिल्ली से अगर मिल जाती है तो. ये अगर 2800 रुपये की वहाँ पे थी तो अब इसका प्राइस मेरे ख्याल से 3300 तो गुड़गांव में भी हो गया होगा, या 3000 मान लेते, 3200 मान लेते. और अगर ये 3200 की गुड़गांव में है तो दिल्ली में मेरे ख्याल से 4500 रुपये इसी रेंज पे होगी. अगर आप लोग जानते हैं दिल्ली में कहाँ से मिलती है, ज़रूर बताइए हमें, हम लेके आना चाहेंगे और इसी बॉटल के साथ कंपेयर करेंगे. जय हिंद. Send out for whiskey, baby. Send out for gin.